मगरमच्छ घड़ियाल क्या बोले कह रहे हैं क्रोकोडाइल 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 ये मरा क्या ना किस चीज से उम्र बढ़ रहा है गोली तो मर जाएंगे गोली तो मर जाएंगे काफी बैठे हैं देखो क्रोकोडाइल वो तो सारे मुंह पाए एक वो मुंह बाहर रखा एक ने इसने मुंह बाहर रखा ऑक्सीजन वितरण कर रहे हैं तो फिर ये पानी से गुजर रहे हैं उस साइड के बोले अगर जिराफ जिराफ मैंने दिवा दी भाई मेरा उल्टा ये जिराफ है भाई ओरिजिनल है अरे सोचो वीडियो में डुप्लीकेट दिखा हुआ है कार्बन कॉपी है ना नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ये है जिराफ और देखो ना ना मैंने गलत मांगे को निकाले पहले की बार करता नहीं लाई इसने मैंने कर्म देखिएगा साथियों जिराफ को नजदीक से दिखाऊंगा आपको एक पांव इसने ऊपर रख दिया है साइड में और इसका एक साथी और भी था दूसरे पिंजरे में हैं काफी सारी है देखिएगा ये देखो अब चल दिया ये देखिएगा ये भी ऊंचाई देखो कितनी है इसकी है ना मां गर्दन गर्दन बहुत बड़ी है इसकी शरीफ जानवर है बेचारा साथियों आपको फोन पर ही मैंने जू की सैर करवा दी है ये देखिएगा ये आ गया हमारी तरफ ही आ रहा है नीलगाय के जैसा इसका आगे से मुंह है इसका माउथ और ये अभी शायद कुछ खाएगा यहाँ पे ये साथियों उसी का साथी है इसे क्या बोलते हैं साथियों हिरण आप बताना कमेंट सेक्शन में साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं इसका नाम क्या है बताएं आपको पता है या नहीं है हमने इसे बचपन में ये देखिएगा साथियों इस नमूने का भी नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये है क्या मेरे हिसाब से ये हिप्पो है या फिर उसकी कोई और प्रजाति है एक उस साइड में है ये देखिएगा एक उसके अंदर है और एक ये है इनके नाम बताइएगा साथियों ये तेंदुआ आपको पिंजरे में दिखाई दिया हो तो आप इसका सही से नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना साथियों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको शेर कहाँ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चा लाइन एक साल में बड़ा हो चुका है लाइन कहाँ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं साथियों ये देखिए हमें आराम भी फरमाना है ये तेंदुआ देखो आप कहाँ पे तो क्या बोलेंगे आप हमें कमेंट से यहाँ पे इसका बैठने का स्टैंड है साथियों देख सकते हैं सीआर सीआर ओ पुलिस पुट्टे को नहीं टाइगर कहाँ है साथियों हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या आपको टाइगर दिखाई दिया तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें साथियों ये एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा जीव है साथियों ये अफ्रीकन हाथी ये भी चिड़ियाघर अफ्रीकन देख के बताएं आप क्या है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अफ्रीकन हाथी है साथियों ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी हाइट के हाथी हैं वैसे तो हमारे यहाँ भी ऐसे होते हैं मगर यहाँ पे लिखा हुआ है अफ्रीकन हाथी एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट साथियों जंगल सफारी में आपको दिखाएंगे अब हम अभी जो बस है वो पिंजरा नुमा बस है और जंगली जानवर जो वो बाहर है अभी हमारी जो बस रुकी है यहाँ पे जंगली शेर आए हुए हैं
मंगल का राजा है। कहाँ गया सिर? बाहर बैठ गया सिर भाई। ये देखिएगा, देख ले शेर है जंगल में बिल्कुल ओपनली। अरे ओपन पड़ा यार। ये देखिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको आनंद आया कि नहीं आया। साथियों आप हमें हमारी वीडियो देख करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप भी कभी ऐसे जंगलों में घूमे हो, जू में गए हो, यहाँ पे खुले जानवर जंगली जानवर घूमते हो और इंसानों को कैद कैदियों की तरह बस में ले जाया जाता हो। ये देखिएगा हमारे साथी हैं, जो सातों साथ हम सातों लोग यही बैठे हैं बस में। और दो हैं दो साथियों के आप लोग वीडियो में भालू भी दिए अगर दिखाई दिया तो यह जंगली भैंस काफी है। देखिए साथियों टाइगर कैसे पानी के अंदर लड़ रहे हैं आपस में। ये देखिएगा, ये देखो आप लोग बोलते हैं कि टाइगर पानी में नहीं जाता, ये देख सकते हैं दोनों लड़ाई कर रहे हैं। कौन सी जगह? हैदराबाद जूलॉजिकल पार्क, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में स्थित। नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये देखो टाइगर की लड़ाई ठंडक लेते हुए मस्ती मारते हुए करते। साथियों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ये देखिएगा देखिएगा साथियों ये देखो टाइगर कैसे लड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में साथी जरूर बताइएगा टाइगर आपको कैसे पसंद आया या नहीं आया। गर्मी से रात पा रहे हैं। इनका रंग दौड़ा है। मछली देखी कितनी इस पानी में? मच्छी खावे बंदे हो गए, देखो ये छोड़ रखी है। मच्छी छोड़ने से पानी खराब नहीं होगा। एक तो दूसरी साइड चले गए। साथियों कमेंट सेक्शन में इसके बारे में हमें जरूर बताइए कि ये है क्या, छोटा सा जानवर है, पता नहीं क्या है ये। मिरकट नेवले का जैसा जानवर है ये, सेम नेवले की जैसे ही फौजन बनाए हुए है। और अगर इसके बारे में आपको जो कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेवड़ा है दो पंजे देखिए, खतरनाक है, बहुत खतरनाक पंजे हैं। देखने का स्टाइल देखो इसका, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और चलने का स्टाइल देखो इसका, ये देखो अभी ये वहाँ से फिर वापसी आएगा।
बैठ गया वहां पे। साथियों आप इस वीडियो में देख के हमें बताएं कि आपको इसमें क्या दिखाई दिया। कहीं पर कुछ दिखाई दिया है तो ये लीजिएगा, अगर नहीं दिखाई दिया तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सॉरी वो दाएं और भाग के आगे की तरफ अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिएगा अभी इसमें आपको कुछ दिखाई दिया वीडियो में, ये देखिएगा, ये देखिएगा है कुछ कस्टर्ड कपचिन वीडियो में हम आपको क्या कुछ दिखाई देता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। यहाँ पे आपको दिखा दूँगा, काफ़ी हद तक कछुए दिखा सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कछुए इसके अंदर मात्रा में कछुए यहाँ पे छोड़े गए हैं। लो साथियों खुशी होगी, देखो वीडियो में आप ये क्या है, भारी ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं इसकी कितनी बड़ी हाइट है इसकी। बड़ा है इसमें, ये समझो हमारे हरियाणा में जो भैंस बच्चा लेके आती है उसके बच्चे से भी ज़्यादा बड़ा है कछुआ। ये देखो इसने हमारी आज्ञा का पालन किया है और ये बोल रहा है भाई मेरी वीडियो ना पीछे से मत बनाओ, मेरे आगे मेरे मुंह की तरफ से वीडियो बनाओ। तो ये देखो ये बच्चा है या बड़ा है ये आप देख के हमें वीडियो में ज़रूर सॉरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को आगे शेयर करें। और इसकी एज का भी आप अनुमान लगा के बताएं हमें कि ये कितनी एज का हो सकता है। मेरे हिसाब से 60 साल के लगभग का होगा, 250 से 300 साल की एज होती है वैसे, बाकी जहाँ तक बताया जा रहा है ये 60 साल से ऊपर का बताया जा रहा है। आज़ादी के थोड़े से दिन के बाद का ये यहाँ पे जू बनाया गया, तभी से ये यहाँ पे रखा गया है। ये देखिएगा लो साथियों ये भी इसके अंदर काफ़ी मात्रा में चपनगुना पटना हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं गिरगिट है, काफ़ी बड़ी है। देखिए छिपकली होगी शायद ये, पता नहीं छिपकली है कुछ हो रहा है। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी आप नाम बताएं। डाटा के बुलबुला ये है 10 से 12 साल, ये देखो लिखा हुआ है 10 से 12 साल, वेट है 4 से 8 किलो, लेंथ है 1.752 मीटर और ये 3 से 5 ईयर और ये है कोचिंग एंड कलेक्शन फॉर दी। ये देखो कितने बड़े बड़े हैं और ये खाने में खा रहे हैं जो पपीता है बनाना है और हरी हरी घास फूस है, बिल्कुल इंसानों की तरह सब्जियों का सेवन कर रहे हैं, ये मांस नहीं खा रहे। पौधे के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल ग्रीन है, ऐसे लगेगा आपको जैसे डुप्लीकेट होता है बट ये सांप है जो दोनों ओरिजिनल है, जोड़ा सांप है डबल सांप है और ये ऐसा लगेगा आपको जैसे डुप्लीकेट है मगर ये ओरिजिनल है। अभी ये मस्त है, सो रहे हैं, अगर हमने पिछली बार इसको देखा था घूमते हुए और पिछली बार ये एक साल के अंदर इसकी हाइट बढ़ चुकी है, पिछली बार ये बिल्कुल छोटा बच्चा था, अब की बार ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये इसकी लेंथ वेट ये लिखा हुआ है, इसका साइज वगैरह जो भी है पूरा का पूरा इसका कल्चर इसका जो
इतिहास रहा है वो है। ये देखिए इसके अंदर भी लेटा हुआ है गंदा, शीशे के अंदर ये दिखाई नहीं दे रहा इतना साफ। ये देखिएगा इंडियन कोबरा, ये देखिएगा काफी सारे सांप हैं यहाँ पे, इंडियन कोबरा जिसे बोलते हैं। ये देखिएगा इंडियन कोबरा, इंडियन कोबरा, ये देखिएगा। कितनी बड़ी हाइट है इसकी, ये आप लिख सकते हैं 3 से 4 मीटर के लगभग इसकी हाइट है, और 20 साल की एज है इसकी, 20 ईयर किंग कोबरा एज 20 ईयर। और इसकी एज देखिएगा साथियों, आप किंग कोबरा को मैं दोबारा से दिखाऊंगा, अभी इतना बड़ा खा लिया है। ब्लैक कोबरा, आप इन पौधों के अंदर देखिएगा सांप आपको कहीं दिखाई दे रहा है, ग्रीन सांप। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताएं कि आपको इसमें क्या दिखा। आज तक आपने ग्रीन स्नेक अभी देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, नहीं देखा हो तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से ग्रीन स्नेक जरूर देखें। देखो ये डुप्लीकेट नहीं है साथी, ये ओरिजिनल है। और अभी आपको इसका साथी एक और दिखाऊंगा, ये देखते हैं इससे आपको पता चलेगा ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ये देखिएगा ये दोनों साथी हैं, ये देखिएगा कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल ग्रीन सांप है, ग्रीन सांप, ग्रीन स्नैक, ग्रीन स्नैक। एक ये है दोनों ओरिजिनल है साथी, उसके अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं है, ओरिजिनल है दोनों साथियों। इसके अंदर ये देखिएगा इसका ये हाउस है, और ऊपर आपको पेड़ के ऊपर दिखाई देगा, गौर से देखेंगे तो ये देखिएगा बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। हाँ ये वाटर स्नैक है, ये देखिएगा आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखिएगा, ये देखिए ये इसके ऊपर देखिए चेकर्ड टेल ब्लैक और लिया इसको कर, ये इसके अंदर वाटर के अंदर है, ये देखिएगा, ये आप इसका पहचान पत्र पढ़ लीजिएगा कौन सी वैरायटी है, ये यहाँ पे आप इनका बायोडाटा पढ़ सकते हैं, ये इनका आधार कार्ड है, चेक कर लेना आप, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये आपने दिखाई दिया कि नहीं दिखाई है। वैरायटी और देख लीजिएगा साथियों, और इसके अंदर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है ये भी देखिएगा, देखिएगा देखिएगा साथियों। नेक्स्ट ये देखिएगा, इसको बोलते हैं देसी भाषा में दो मुआ सांप, और ये है भी काफ़ी इसके अंदर काफ़ी सारे इसके अंदर रखे हुए हैं, ये इसका बायोडाटा है, पढ़ लेना आप और कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। क्लियरिटी में इसके अंदर इसीलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि म्यूजियम में है, और म्यूजियम के अंदर शीशे लगे हुए डबल डबल, पहले बाहर का शीशा फिर आगे शोकेस का शीशा कांच लगा हुआ है, जिसकी वजह से
पूरी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है साथियों। ये आपने अभी देखा हो तो बताना, और इसके अंदर आपको कहाँ दिखाई दिया ये भी देखना। ये देखिएगा पता नहीं किस किस भांति के सांप इस दुनिया में है, ये आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। ये मिट्टी के अंदर छुपा हुआ है, देखिएगा ये कौन सी वैरायटी है, ये आप देख लीजिएगा। इसका बायोडाटा हमने आपके सामने रख दिया है, और ये देखो बिल्कुल ही पतला सांप है, ये सिक्कल भी बोलते हैं इसको, सिक्कल। भारी मात्रा में सांप इसके अंदर रखे गए हैं, बिल्कुल रस्सी के जैसे हैं, पतले पतले। हाँ काफ़ी सांप है इसके अंदर, देखिएगा। और सारे ओरिजिनल है, डुप्लीकेट कोई नहीं। हाँ ये कौन सी वैरायटी है, इसके ऊपर कोई डाटा, ये रहा। ये देखो इसके अंदर आप देख लेना, यहाँ पे देखिएगा पशु हैं काफ़ी सारे, ये देखिएगा। इधर रखे इसका अच्छे, देखिएगा ग्रीन ग्रिगेट। और ये इसका बायोडाटा, और खाने में देखें इसके लिए क्या रखा हुआ है, हरी मिर्च पीस करके रखी हुई है, गाजर, और ये पता नहीं चावल है क्या है। तीन चार हैं इसके अंदर, दो ये रखे हैं यहाँ पे, दो हुआ चार हैं, ये वैरायटी पशुओं की कौन सी है। ये इनका बायोडाटा है, इनका आधार कार्ड है, यहाँ पे आप देख लेना कौन सी है। साथियों ये देखिएगा जंगली छिपकली कई है, इसमें बड़ी बड़ी है। तेरे अपन ये ढीले छोड़ सके, इसकी मर्जी है। साथियों ये देखें, ये आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। मेरी सही पहुँच है ये बाहर आने की कोशिश कर रही है, और ये इसका बायोडाटा, इसका आधार कार्ड है। या जा।